ప్రజల పక్షాన ప్రశ్నించే గొంతుకులను బీజేపీ ప్రభుత్వం అణచివేస్తోంది. నాయకులను జైల్లోనే పెడుతోంది. దర్యాప్తు సంస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తోంది. విద్యా వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందిస్తూ దేశానికి మార్గదర్శిగా నిలిచిన అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ను జైల్లో పెట్టింది. బీజేపీకు సరైన ప్రత్యున్వాయం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అని గుర్తించి ఆప్ను నామరూపం లేకుండా చేయాలని చూస్తోంది. తెలంగాణ కమిటీ యొక్క ఇన్ఛార్జ్ గారు దాని ముందు సోమనాథ్ పార్టీ గారు ఉన్నారు, మీరందరూ కలిశారు. దాదాపు 8-10 సంవత్సరాలుగా సోమనాథ్ పార్టీ గారు ప్రియాంక గారు అందరికీ వచ్చారు, అందరిని కలిశారు. ఢిల్లీ అసెంబ్లీ వారి ఇక్కడికి వచ్చున్నారు. దిలీప్ పాండే గారు అది ఇక్కడ పార్టీ నిర్మాణం కార్యకర్తలందరినీ కూడా పర్సనల్ గా కలిసి వారి ఒపీనియన్స్ అన్ని తీసుకుని ఇక్కడ పార్టీ నిర్మాణం చేయడానికి, అలాగే నాతో పాటు కోర్ కమిటీ సభ్యులు అన్సారీ గారు, ఈ మహిళా వింగ్ అధ్యక్షురాలు హేమాచిల్ లోచు గారు ఉన్నారు. సో ఇంకా మిగతా దిలీప్ పాండే గారు మాట్లాడతారు. ఆప్ సభీ కో నమస్కార్. ఔర్ వర్తమాన్ కే ఉపర్ పార్టీ క్యా కర్ మిల్నే కే తురంత్ బాద్ మే ఆ నీ పాయా, లిహాజా యే మేరా పెహలా విజిట్ హై ఇస్ స్టేట్ మే. और इस विजिट के तहत तेलंगाना राज्य के जितने भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वॉलंटियर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, पिछले 2 दिनों से लगातार उन सभी के साथ संवाद की प्रक्रिया चल रही थी. उनसे डायलॉग कर रहे थे, उनके आइडियाज, उनके सजेशंस, उनकी ग्रीवेंसेस, उनके कंप्लेंट्स. मैं खुद एक एक करके सबसे हमने मुलाकात की, सबसे बात की और बहुत सिंसियरिटी और सीरियसनेस के साथ उनके सजेशंस को, उनकी कंप्लेंट्स को, उनके ग्रीवेंसेस को सुना गया, दर्ज किया गया. आम आदमी पार्टी सही मायनों में आम लोगों की तो पार्टी है ही, वो नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है. हमारा यकीन हमेशा से इस बात में रहा कि आम आदमी पार्टी में जो भी नेता बने, पार्षद बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से बने. बहुत सारे साथियों के फीडबैक थे, आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीकों के ऊपर, अपने साथियों के ऊपर. जितने भी लोगों से मुलाकात हुई उन सबको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, उनका फीडबैक बहुत गंभीरता के साथ लिया गया है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में उस फीडबैक के ऊपर काम किया जाएगा. संगठन निर्माण सहज कार्य नहीं है, यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, लेकिन इसको उतनी सिंसियरिटी की जरूरत है. और अरविंद केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी के निर्देशानुसार एक एक करके धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक के संगठन को बनाया जाएगा. हर स्तर पे जो भी कार्यकर्ता समय दे सकते हैं उन कार्यकर्ताओं को पार्टी की सेंट्रल टीम या स्टेट टीम द्वारा दिए जाने वाले टास्क का रेगुलर फॉलोअप किया जाएगा. हर एक साथी के कंट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग की जाएगी और सब कुछ एक सिंगल गोल, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड होगा. कुछ भी करके तेलंगाना राज्य के लोगों को जिस तरह के बदलाव चाहिए, आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली, दिल्ली के बाद पंजाब के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और आम आदमी की जिंदगी की जो मूलभूत सुविधाएं, जरूरतें हैं उनके ऊपर काम किया,
और वहां के आम लोगों की जिंदगी बेहतर की, बिल्कुल उसी प्रकार से तेलंगाना के लोगों का भी हक है, अधिकार है, वो आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद से देखते हैं। आम आदमी पार्टी का वर्तमान और भावी संगठन, आगामी संगठन ये सुनिश्चित करेगा कि तेलंगाना के जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और पूरा देश देख रहा है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को बेबुनियाद आरोप लगाकर, निराधार आरोप लगाकर साजिशन गिरफ्तार किया गया, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो फैसले आए, जो ऑब्जर्वेशंस आए, जो कमेंट्स आए, उन्होंने ये साबित किया कि न सिर्फ आरोप भारतीय जनता पार्टी की साजिश का नतीजा थे बल्कि बेबुनियाद थे, और लोअर कोर्ट ने तो ईडी के आरोपों की धज्जियां तक उड़ा के रख दी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी ये बात समझ जाए कि हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम बी आर अम्बेडकर के और भगत सिंह के चेले हैं, उनकी गिरफ्तारियों से, उनके साजिशों से हम घबराने वाले नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ हम कल भी लड़ रहे थे, उनके अन्याय से आज भी लड़ रहे हैं, और आने वाले वक्त में इस देश को बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी से लगातार लड़ते रहेंगे। आप सब लोग देखेंगे आने वाले दिनों में गतिविधियां बढ़ेंगी, सेंट्रल टीम का फोकस तेलंगाना के ऊपर बढ़ेगा, संगठन निर्माण की प्रक्रिया तेज होगी, और जैसा कि मैंने कहा सबकी जवाबदेही तय होगी, तभी यहां का संगठन दिल्ली पंजाब की तरह मजबूत हो पाएगा और यहां की जनता की अपेक्षाओं पर खरा